गुड मॉर्निंग क्लास। सो इन लास्ट क्लास हमने बहुत ही बेसिक से चीज़ें देख ली थी, समझ लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे केमिस्ट्री के अंदर अब इंटर करना हम शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो देखिए, हमने उस पर एक छोटा सा सवाल किया भी था और एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम उस पर एक छोटे से प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं। पहले हम बता देते प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या था। एक्यूरेसी वो वैल्यू होती है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू से कितना क्लोज है। ये जो एवरेज वैल्यू आती है, इस वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू कितना क्लोज है, दैट गिव्स अस व्हाट, यस दैट गिव्स अस एक्यूरेसी। अब रहा की बात प्रिसीजन, तो प्रिसीजन का मतलब कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो जो मेरी वैल्यू आती है उसमें कितना डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेरा आया 4.00, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 4.01, फिर 4.02, फिर 3.99। तो ये जो बार बार वैल्यू आ रही है, मेरे इन वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस बहुत ही कम है, सो माई एक्सपेरिमेंट एंड वैल्यू विल बी प्रिसाइज्ड। अगर एवरेज वैल्यू एक्चुअल आंसर के पास है, सो दैट इज एक्यूरेसी। और मेरे अलग अलग एक्सपेरिमेंट के वैल्यू एक दूसरे के अगर पास हैं, इसके पास है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में एक दूसरे के अगर पास पास हैं, देन दे आर प्रिसाइज्ड। बात क्लियर है? इतनी सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी, बस आज हमें क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करना है और बताना है इसमें किसकी प्रिसीजन अच्छी है, किसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो चलिए एक लिए बात करते हैं। ए का एवरेज वैल्यू कितना है, 4.005, और एक्चुअल आंसर कितना आना चाहिए था उसका, 4.00। क्या दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, है ना? सो वी कैन से दैट ए इज एक्यूरेट। अब देखिए, 4.00, 4.01, 4.02, 3.99, क्या ये वैल्यू भी काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, है ना? सो दिस इज ऑल्सो प्रिसाइज्ड। तो हमारा ये पहले का आंसर क्या आ गया, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज्ड भी है, दोनों है। बी में देखिए, ये वैल्यू एवरेज कितनी आ रही है, 3.65, एक्यूरेट कितना आएगा, 4। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का, 0.35 का। तो क्या ये एक्यूरेट माना जाएगा, नहीं। तो सेकेंड केस में एक्यूरेसी कम है, क्या है, एक्यूरेसी कम है। प्रिसीजन देखते हैं, 3.5, 3.6 कितना डिफरेंस, 0.1, 3.6, 3.7, 0.1, 3.7, 3.8, 0.1, यानी कि ये क्या है, प्रिसाइज है। इसके आपस की जो वैल्यू बार बार आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, यानी कि ये प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट नहीं है। ये देखिए, एग्जैक्ट 4 आ रहा है, कितना 4 आना भी चाहिए। तो देखिए, ये क्या है, 100% एक्यूरेट है, ये फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन, थर्ड वाला। अब प्रिसीजन की बात करते हैं, 3.7, 3.9, कितना गैप आ गया, 0.2 का, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2। अगर 0.1 से गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब हम उसको क्या कहते हैं, वो प्रिसाइज नहीं है। ये एक्यूरेट तो 100% है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। डी में देखिए, एवरेज वैल्यू कितनी है, 4.25, एक्चुअल कितना होना चाहिए, 4.00, यानी कितना का डिफरेंस है, 0.25 का। क्या ये एक्यूरेट है, नहीं है। सो दिस इज नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज है या नहीं, 3.6, 4.2, गैप कितना हो गया, 0.6 का, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस है, नहीं है, यानी कि ये प्रिसाइज भी नहीं है। तो हमारा जो पहला आंसर है ए, स्टूडेंट ए का एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसीजन भी अच्छा है। बी का एक्यूरेसी तो पुअर है, प्रिसीजन क्या है, अच्छी है। फिर सी का एक्यूरेसी अच्छा लेकिन प्रिसीजन खराब है, और डी का ना ही एक्यूरेसी अच्छी है ना ही प्रिसीजन अच्छा है। बस यही डिटेल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। मेजरमेंट बाय स्टूडेंट ए इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, सही है। बी का एक्यूरेसी पुअर था लेकिन प्रिसीजन अच्छा था। सी का एक्यूरेसी अच्छा है तो प्रिसीजन पुअर है। डी का ना ही एक्यूरेसी अच्छी है ना ही प्रिसीजन अच्छा है। सो इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन आवर एक्चुअल टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू हमें दी गई है
उसमें सभी वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं होती है, यानी कि सभी वैल्यू 100% एक्चुअल करेक्ट नहीं होती। अब वो क्या बात हुई, कई बार हमें जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद वो ऐसा आता है 0.333333333 ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, याद आया? तो हम इसको क्या लिख देते हैं 0.34 लिख देते हैं जनरली, यानी कि ये जो बार बार 33 आ रहे थे इन सबको हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 4। तो क्या ये 4 एक्चुअल एक्यूरेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 333 आना चाहिए, 4 क्यों आ गया? तो ये है इसकी अनसर्टेनिटी, यानी कि इस पूरे 0.34 की वैल्यू में ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें एरर है, इसमें क्या है एरर है, और उस एरर को हम क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी। बात समझ में आ गई? तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज नॉट सर्टेन। अभी जो हमने लिखा था वैल्यू कितना था 0.34, इसमें ये सर्टेन वैल्यू नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एरर है, अभी आपको दिखाया भी थे हम। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं तो उसमें जो करेक्ट है वो तो काउंट होगा ही, प्लस हम उसको भी काउंट करते हैं जो कि अनसर्टेन है, जिसकी सर्टेनिटी फिक्स नहीं है। तो इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, टोटल नंबर आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 20.5 ml, ये है कितना 20.5 ml। अब देखिए इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, हाँ पकड़ लिए ना, अनसर्टेन होगा। लास्ट वाला हमेशा क्या होगा अनसर्टेन, और ये दोनों क्या होंगे सर्टेन, यानी ये फिक्स है कि ये वैल्यू हमेशा 20 ही रहेगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये वैल्यू 20.6 हो सकती है, और क्या हो सकता है 20.4 हो सकता है। तो इसमें चेंजेस आने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन इसमें चेंजेस आने के चांसेस कम है, सो दिस इज अनसर्टेन। यही चीज लिखा है 20 इज सर्टेन एंड 5 इज अनसर्टेन बाई प्लस माइनस 1, और ये कितना अनसर्टेनिटी दिखाता है प्लस माइनस 1, यानी कि ये 20.6 भी हो सकता है और 20.4 भी हो सकता है। अगर ये 20.6 हुआ तो किसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा हुई प्लस 1 से, अगर ये 20.4 हुआ तो इसकी अनसर्टेनिटी किससे कम हो गई माइनस 1 से। क्लियर है? तो चलिए इसके बहुत सारे रूल्स हैं, एक एक करके रूल्स को हम समझते चलेंगे और माइंड में भी रखेंगे। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए हमने लिख दिया 5.004, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है कौन कौन 5 और 4, सिंपल है, जो जीरो नहीं है वो नॉन जीरो डिजिट्स है, और इन दोनों डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं। देखिए तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, 2, 3, 4, कितने हो गए 4। कैसे काउंट किया हमने, क्या बताया हमने, ये देखिए दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए इसका 4। नेक्स्ट देख के बताइए आप 3.00078 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फटाफट बोलिए यस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कितने हो गए 6। ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, और इसके बीच में आने वाले सब के सब काउंट होंगे, यानी कितने हो गए 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल हमारे सामने है 876, सब तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सब क्या हो गए सिग्निफिकेंट, यानी कितना हो गया 3, 0.56 कितना हुआ 2, ये क्यों, ये जीरो क्यों नहीं काउंट हुआ, अभी आपने पढ़ा था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और उनके बीच वाले डिजिट्स क्या होते सिग्निफिकेंट होते हैं, ये जो जीरो है
इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली हमारा आंसर जब भी आता है 0.56, तो हम बस इसको क्या लिख देते हैं, 0.56 लिख देते हैं। क्या इस जीरो का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। तो ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हुए? ये दोनों। क्लियर है? तो देखिए सेकेंड में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ गया, 2। नेक्स्ट देखिए 4006, इसमें ये जीरो काउंट होगा, यहां पे जीरो काउंट नहीं हुआ था, लेकिन यहां पे जीरो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। अब बात को समझिएगा, अगर जीरो बीच में आया तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो जीरो पहले ही आ गया तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो यहां पे कितना आ गया, 4, यहां कितना आ गया, 3। ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ रहा है। सो ये क्लियर है? तो फर्स्ट बहुत ही इजी सा था, सेकेंड देखिए, दिस इज द सेकेंड रूल बी, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल। देखिए जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, किस साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में अगर सिर्फ जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं होते और हम उनकी काउंटिंग नहीं करते हैं। देखिए यहां क्या दिया हमें, 0.04। ये जो जीरो है ये सब के सब क्या है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये काउंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, सिर्फ 1। इसमें कितने होंगे, सिर्फ 2। ये दोनों, ये जो दो आपको दिख रहे हैं 3, ये तीनों ही काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों कहां हैं, एकदम लेफ्ट साइड में है, यहां पर 3। अब हमें ये बताइए 0.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितना, 1 नहीं, कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों? आपने इन जीरो को क्यों नहीं काउंट किया? क्या ये एकदम लेफ्ट साइड में है? नहीं, एकदम लेफ्ट साइड में तो 4 है, उसके बाद ये जीरो है, तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये एकदम लेफ्ट में है, ये पूरे लेफ्ट में नहीं है। इसके बीच में कौन आ जा रहा है, नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो आते हैं सब काउंट होंगे। बात समझ में आ गई मेरी, हम क्या कह रहे हैं? चलिए तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड रूल, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट दो जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर यही जीरो राइट साइड में है, ध्यान रहे लेफ्ट साइड वाले को तो हम छोड़ दिए, अगर यही जीरो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में है तब हम उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं। दिस इज द रूल नंबर थर्ड, अगर जीरो लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर टू, अगर जीरो लेफ्ट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब देखिए 6.0, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक तो 6 है दूसरा 0। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में था। 7.80, 3। ये देखिए, अब ये जो जीरो है ये सब तो किस साइड में है, राइट साइड में। ये दो जो दो जीरो दिख रहे हैं आपको ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये काउंट नहीं किए जाएंगे। तो काउंट कितने होंगे, सिर्फ ये 4, यानी क्या आ गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए ये समझ में आ गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप करके बताइए। देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना, 5। हाँ सही है, कितना आएगा, 5। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो 3 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दीज जीरोज आर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। एक और देखिए 0.04.0000। अब बताइए, यस कितने होंगे, अच्छा यहाँ पर और लगा लीजिए ना, एक यहाँ पर लिख लीजिए 5, और यहाँ पर एक जीरो और। अब बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कितने होंगे, क्या ये दो जो हैं सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं, नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, ये भी तो लेफ्ट साइड में है 5 के। क्या ये काउंट होंगे कि नहीं होंगे? ये काउंट होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। क्लियर है? तो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो हम तीन रूल्स पढ़ चुके। पहला, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, और राइट साइड में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। फोर्थ, जीरो एट द एंड और द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अदरवाइज द जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए, राइट साइड में भी कंडीशन है, अगर डेसिमल के बाद जीरो है तब तो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल से पहले ही जीरो है, यानी कि डेसिमल नहीं है और भी जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमने लिख दिया 0.600000000 और हमने पूछा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप रूल नंबर कौन सा लगाएंगे, 4 या 3 लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये काउंट नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 6 आ गया ना। अब हम इसी पॉइंट को ऐसे लिख दें, 6000000, तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि अभी ये कहा गया है अगर ये जो जीरो हैं ये डेसिमल पार्ट में बिलोंग करते हैं तब तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। अगर ये डेसिमल पार्ट में बिलोंग नहीं करते तो ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ये देखिए, पूरे राइट साइड में तो है लेकिन इसमें कहीं डेसिमल नहीं था, इसलिए ये काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल है 0.400, ये तो काउंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, इस साइड में देखिए यहाँ डेसिमल है ना, तो ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होंगे, होंगे, तो कितना होगा, 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखिए 7.960, ये वाला सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में वाले जितने भी जीरो है सब सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन नंबर या डेसिमल के बिना राइट साइड वाले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये देखिए 200, इसमें डेसिमल तो है ही नहीं, यानी ये दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट कौन है, सिर्फ ये 2, तो कितना हुआ, 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, सो रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, कोई भी अगर एग्जैक्ट नंबर है, तो अब मान लीजिए आपके पास नंबर है 7, या मान लीजिए आपके पास नंबर है 19, और आपसे पूछा जाए बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर तो 2 है। बिल्कुल सही है। अगर हम कह दें कि नहीं यहाँ पे 4 है, तो आप ये नहीं कहेंगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्या आप हमें ये बताइए 19 को हम 19.00 लिख सकते हैं या नहीं? अभी कहेंगे ना हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। अब हमें ये बताइए ये जो दो जीरो राइट साइड में दिख रहे हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद है। तो आप बताइए कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4। अच्छा, तो 2 और 4 दो होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब हम मान लीजिए कहें हम 7 है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 19.12345। आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जितने भी एग्जैक्ट नंबर हैं उनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं वो इनफाइनाइट आते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल लगा के कितना हो जीरो लगा देंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए 7 में इनफाइनाइट, 400 में भी इनफाइनाइट, 23 में भी इनफाइनाइट। अच्छा, अगर ये क्या होगा जब हम ये लिख दें कि 4 में कितना आ गया, 3, गलत हो जाएगा कि सही? बिल्कुल सही है। अगर आपने 400 में 3 लिखा है तो भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इसको डेसिमल में नहीं माना, आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, कितना 3 आया। 23 में आपने अगर 2 लिखा तो भी सही है, 3 लिख दिया तो सही है, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखे तो क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल लगा के उसको उतना कवर कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें बनाने आना चाहिए। क्या है? अदर इंपॉर्टेंट केस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे नंबर दिए हैं जिसके एक्सट्रीम राइट साइड में क्या है, ढेर सारे जीरो हैं, तो ये जीरो तो वैसे काउंट ही नहीं होता, नहीं होता ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, थ्री। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, कैसे? तो देखिए क्या नंबर 20600, हम नंबर को यहाँ लिख लेते हैं 20600। अब देखिए इसको लिखने के कई तरीके हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारा डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, हम लिखेंगे 2.0600 इंटू 10 to the power। अच्छा इसमें तो डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा था, तो डेसिमल कहाँ रहा होगा, लास्ट में, यहाँ से हमने कहाँ लेके गए, यहाँ तक, कितना 1, 2, 3, 4, यानी कि 10 to the power 4। ये हमने लास्ट क्लास सीख भी लिया था साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये तो रहा साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें ये बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए। ये जो पावर वाला होता है ये काउंट नहीं होता है, इससे मतलब कोई लेना देना नहीं है, ये 10 to the power 100 हो, 1000 हो या कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ इन नंबर से। अब हमें ये बताइए ये जो दो जीरो हैं इस केस में 2.0600 के केस में सिग्निफिकेंट है या नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि राइट साइड में तो है लेकिन किसके डेसिमल में, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अच्छा क्या हम इसी आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 2.0600 को हमारा के एक जीरो लिख दिए 10 to the power 4, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो जीरो हैं जो डेसिमल के राइट साइड में, हम उनको हटा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम हटा देंगे तो आप बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 4। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, कौन सा तरीका, हाँ 2.06 × 10 to the power 4, क्योंकि इस जीरो को भी हम हटा सकते हैं, अगर हम हटा देंगे तो उस केस में ये कितना आ गया, 3, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। तो ये कुछ तरीके हैं आपको कैलकुलेट करने के। एक दो और क्वेश्चन हम करा देते हैं, देखिए प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ले लीजिए 5, 7, 1, 6, 2, 3, 0, 0, 0 और एक जीरो ले लीजिए, हमें बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक एज यूजुअल ऐसे काउंट कर लीजिए, तो बताइए क्या ये काउंट होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के राइट में नहीं है, सिर्फ नंबर के राइट साइड में है, और नंबर के राइट साइड वाले काउंट नहीं होते, कौन सा था ये, रूल नंबर 3 था, ठीक है। तो कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 5 and 6, पहले केस में कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 5.71623 1, 2, 3, 4 × 10 to the power, डेसिमल यहाँ से यहाँ तक गया होगा कितना 3, 3, 6, 3, 9, सो 10 to the power 9 लिख सकते हैं। अब हमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, सब काउंट हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है, तो अभी कितना आ गया 10। क्या हम इसको एक जीरो हटा के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे हम 5.71623 1, 2, 3 × 10 to the power 9। अब देखिए कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया, ऐसे इसको हटा के लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसको हटा के लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको हटा के लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि जो एकदम स्टार्टिंग में मिला था हमें ये 6 से लेके मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, ये 6, 7, 8, 9 and 10, मैक्सिमम 10 तक जा सकता है। तो हमें एक तरीका मिल गया, देखिए वो तरीका क्या है, कोई भी नंबर 4, 0, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, अगर हमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो एक तो जो छोटा वाला है वो काउंट कर लेते हैं, यहाँ तक कितना है 1, 2, 3, 4, 4 से लेके कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक पूरा ले सकते हैं हम, कब, जब हम एक्सपोनेंट बना लेंगे इसको तब साइंटिफिक नोटेशन में, तो कहाँ तक चला जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 से लेके 11 तक में कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसका लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कहा कि इसको लिखिए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए 7, तो बस पहले तो साइंटिफिक नोटेशन इसका बना लीजिए, ये हो जाएगा 4.086, फिर कितने जीरो 3, 3, 6, 7 जीरो हैं,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इंटू टेन टू द पावर एट नाइन टेन, टेन टू द पावर टेन, ये हो गया। अब हमसे कहा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखिए कि सेवन सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले। क्या पावर का कोई रोल होता है? नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं है, तो सेवन चाहिए ना काउंट के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ तक रखेंगे, बाकी इन सबको क्या कर देंगे हम, हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4.086, फिर 000 इंटू टेन टू द पावर 10। क्लियर है? अब सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया डन आपका। नेक्स्ट पेज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हैं। द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। अब मान लीजिए मेरे पास तीन नंबर हैं, एक दो और ये तीन, तीनों आप डेसिमल पॉइंट्स काउंट करेंगे। डेसिमल पार्ट कितना है यहाँ पर? टू है। इसमें कितना है? वन है। इसमें कितना? वन टू थ्री है। ठीक है, कौन सा पार्ट काउंट करें हम डेसिमल वाला? यहाँ पर टू, यहाँ पर अकेले वन और यहाँ पर थ्री। तो जो हमारा आंसर आएगा हम उसमें से सिर्फ जो कम वाला डेसिमल पार्ट था उतना ही लेंगे। देखिए कितना था कम वाला? वन। तो इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ हम इतनी ही वैल्यू लिखेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 39.2। आंसर तो ये पूरा सही है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताइए कितना सही है, तो वो आंसर कितना आएगा? 39.2 आएगा। एक और एग्जांपल लेके समझे, चलिए इस बार हम सब्ट्रैक्शन का लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और कहा गया बताइए इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे जैसे है। 18.3456 माइनस 2.78 और यहाँ पे सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए, अब बस सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 14 माइनस 8 6, 12 माइनस 7 5, माइनस 7 माइनस 2 इज 5 एंड 1 हो गया। अब बस आप देख लीजिए डेसिमल पार्ट में कहाँ कम है, कितना है? 2। यहाँ कितना है? 4। तो हमारे आंसर में भी कितना होना चाहिए? कम वाला, यानी कि 2 है ना, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही होगा। सो माय आंसर विल बी 15.56। बात समझ में आ रही है? हम इन सबको छोड़ देंगे, इन सब हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है, अब देखिए नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। फॉर दीज टू ऑपरेशंस, कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द मेजरमेंट विद अ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मेरे पास दो नंबर हैं, एक का सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, दूसरे का सिग्निफिकेंट फिगर 8 है, मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए 10 आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम जो आंसर लिखेंगे वो सिर्फ 5 वाले का लिखेंगे, यानी जो कम वाला था उसके साथ। ये देखिए सॉल्यूशन मेरे सामने एक एग्जांपल है, 4.5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, 4 और 5, इसमें कितने हैं? 3। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, 1, 2, 3, 4, लेकिन मेरे आंसर में कितना आना चाहिए जो कम वाला था, कम वाला कितना था? 2, तो मेरा आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, 9.6। ये दो हम लेके बाकी सब छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए डिवीजन का। ऐसे ही पहले काउंट कर लेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें कितने हैं? 4। अब देखिए आंसर में कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बट हम जो आंसर लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए? कम वाला। कम वाला कौन है? 3, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ तक, बाकी इन सबको हम छोड़ देंगे, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज राउंडिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राउंडिंग आपने बचपन से ही पढ़ते हुए आए हुए होंगे,
अभी हम देख लेते हैं, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अब जिस डिजिट को हमें हटाना है, मान लीजिए इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, 7 को हटाना है, तो 7 से पहले वाले नंबर के साथ हमें क्या करना होगा, वो किसे पता चलता है, रूल से। अगर जिस नंबर को हम हटा रहे हैं वो नंबर 0 to 4 है, या फिर आप ऐसे याद रखिए, अगर वो नंबर 5 से क्या है, छोटा है, इफ द नंबर इज स्मॉलर देन 5, तो क्या करते हैं हम, बस इस नंबर को हटा देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 तो बड़ा हो गया ना, ये ले लेते 7.83। अब देखिए हमें इस 3 को हटाना है, ये 3 क्या 5 से छोटा है ना, तो बस आप हटा के सिंपल से ये लिख देंगे आंसर 0.78, और ये गैप हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरी बात, अगर ये सर 5 से बड़ा हुआ तो क्या, यानी कि अब हम मान लेते हैं यहाँ पर 0.786 था तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, देखिए जिसको हटाना अगर वो 5 से बड़ा है तो बगल वाला जो नंबर आएगा ये बड़ा हो जाएगा, कितना 1 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 0.79, और ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब तो उसको दोनों ही केस में होना है, 5 से छोटा है तो भी और 5 से बड़ा है तो भी। अगर 5 से छोटा है तो पुराना नंबर वैसे कॉपी होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इससे ठीक पहले वाला नंबर क्या होगा, +1 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। चलिए तो दो केस हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा, एक केस पढ़ा जब 5 से वैल्यू बड़ी होगी तो उसके पहले वाला नंबर +1 हो जाएगा, दूसरा केस अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना, बस नंबर को हटा देना है। एक केस और बनता है, अगर सर वो नंबर 5 ही हुआ तो क्या करेंगे, हाँ ये भी हो सकता है ना, 5 से छोटा होगा 5 से बड़ा, अगर 5 ही आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर से दो केस बनेगा। मान लेते हैं मेरा नंबर आया 0.785, जब मैं 5 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले नंबर को चेक करेंगे, इसको हमें हटाना है, ये तो हटेगा इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पहले वाला नंबर इवन है तो कुछ चेंज मत करिए, आंसर को बस ऐसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 0.78। अगर ये नंबर ऐसा होता 0.775, ये तो 5 है, ये तो हटेगा ही हटेगा। अगर इससे पहले वाला नंबर ऑड है, कितना है ऑड, तो नंबर को इंक्रीज करके आप इवन बनाएंगे, यानी कि इसको इंक्रीज कर देंगे, 7 से ये क्या हो जाएगा 8, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0.78 ही आएगा। बात समझ आ रही है, हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 ही आ गया तो दो केस बनेगा, अगर 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो बस कॉपी कर लीजिए, अगर वो ऑड है तो उसमें +1 कर दीजिए। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं, देखिए लास्ट डिजिट जिसको हटाना वो क्या है 5, ठीक है, अगर 5 हटाना है चेक करना होगा पीछे वाला ऑड है या इवन, 4 क्या है ऑड या इवन, इवन है ना, तो बस आंसर क्या हो जाएगा 6.234, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज 17.2175, देखिए ये तो 5 है इसको हटा देंगे, अगर पहले वाला नंबर ऑड है तो इसमें +1 करेंगे, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 17.218 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब चलिए सबकी मिक्सिंग कर लेते हैं, 189.2346, इसकी राउंडिंग करनी है, यानी हमें 6 को हटाना है, 6 क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़े वाले केस में क्या होता है, पीछे वाले नंबर में +1, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 189.23, इससे पहले वाला नंबर कौन है 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 5, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए 27.3874, जिसको हटाना वो क्या 4, 5 से क्या छोटा है तो बस कोई चीज़ नहीं आएगा, वैल्यू सब कॉपी कर लेंगे 27.387, क्या 4 भी कॉपी होगा, नहीं उसी को तो हटाना, तो वो तो हटेगा ही, तो वैल्यू आ जाएगी 27.387। सबको क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं। देखिए अगर जिस नंबर को हटाना वो 5 से छोटा है
कुछ मत करिए, उसको हटा दीजिए, बस आंसर आ गया। अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो ठीक उस नंबर को जिसको आप हटा रहे हैं उसे पहले वाले नंबर में प्लस 1 कर दीजिए। अब दो केस बनेगा, अगर वो नंबर खुद 5 हो गया तो, अगर ये 5 है और इसके पहले वाला ऑड तो प्लस 1, अगर ये 5 और इसके पहले वाला इवन तो कोई चेंज मत करिए, बस नंबर्स को कॉपी कर लीजिए। क्लियर है सबको? चलिए, तो आप टाइम है किसका, होमवर्क का, ये आपके होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ के हैं? हाँ, पिछले लेक्चर का, तो आप इनको कर लेंगे। सारे आंसर हमने नीचे दे रखा हुआ है, तो आप अपने सारे आंसर्स मैच भी कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन आप हमें बता देंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो हम आपको उसमें एक्सप्लेन कर देंगे और आपको बता देंगे, इस वीडियो लेक्चर नंबर में आपको मिल जाएगा, वो उसके आंसर हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। पाई की वैल्यू को पता है क्या होता है? कितना? 3.14, राइट? नहीं, ये वैल्यू 3.14 नहीं होती, ये वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब, हाँ ये तो 9-10 में आराम से पढ़े होंगे ना मैथ्स में, कोई बात ही नहीं पढ़े तो। टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये डेसिमल कभी भी रुकेगा नहीं, वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट। तो एक तो हमने बता दिया, बाकी आप खुद से अब कर लेंगे। ये कह रहा सम ऑफ दिस नंबर्स, तो पहले इनको ऐड कर लेंगे, फिर आप बताइए ऐड करने के बाद कितने डेसिमल्स लेते हैं? जितना कम वाला होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कितने लेते हैं? हाँ, जिसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं। सो ये आंसर वगैरह दिया हुआ है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन कोई हम बता देते हैं आपको। देखिए क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आपको सबको 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाना है। कौन सा ट्राई करें हम? चलिए हम लास्ट वाला करते हैं। नंबर क्या है? 90,000 है, 90,000। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी? 1, 2, 3, 4, 5 है, हमें कितना करना है? 4। पहला काम हम क्या करेंगे इसको, हाँ साइंटिफिक नोटेशन बना लेंगे, तो 9×10^1, 2, 3, 4। नहीं ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए 9 point, सारे जीरो लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4×10^4। अभी देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो सेम है। ये काउंट होता है कि नहीं होता है? नहीं, तो इसको आप ऐसे कॉपी कर लीजिए। हमें तो सिर्फ 5 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 चाहिए, 1, 2, 3, 4 इतना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे अगली लाइन में, हम क्या लिखेंगे, 9.000×10^4। ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आ रहा है? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, आंसर्स वगैरह पीछे आपको सब दिया हुआ मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करना होगा, राउंडिंग भी करना पड़ सकता है। कौन सा क्वेश्चन हम बता दें आपको? चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ये वाला 8.35783। क्या वैल्यू? 8.35783। कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। हमें कितना चाहिए सिर्फ? 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 इतना चाहिए। इन नंबर्स को हमें क्या करना होगा? हटाना होगा, यानी हमें राउंड ऑफ करना होगा। चलिए एक एक करके हटाते हैं। जब हम 3 को हटाएंगे, 3 क्या 5 से बड़ा या छोटा? छोटा है ना, कोई फर्क पड़ेगा नंबर पे? नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, 8.3578 मिल जाएगा। अभी देखिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, अभी भी नहीं, हमें कितना चाहिए सिर्फ 4 चाहिए, हमें इतना चाहिए, तो हम इसको हटाएंगे। ये जो नंबर है जिसको हटाना है वो 5 से छोटा या बड़ा? बड़ा है ना, ये नंबर जब हटेगा तो क्या होगा, पीछे वाला नंबर हाँ इंक्रीज होगा, कितना 1, तो कितना हो जाएगा 8.358 हो जाएगा ना, 7 से बढ़ के ये क्या बन गया 8। अब ये कितने फिगर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हमसे यही कहा था फाइंड योर आंसर टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आपको 2 तक लेके जाना होता तो अभी और आगे लेके जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप इसको हटाएंगे,
ये क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो क्या होगा पिछला नंबर प्लस 1, यानी कि हमें क्या मिलेगा 8.36। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 या 3 है, यानी कि हमें अभी एक ऑल टाइम करना होगा। अब हम किसको हटाएंगे, इस 6 को हटाएंगे। 6 क्या है, 5 से बड़ा या छोटा, बड़ा है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। सो नंबर क्या मिलेगा हमें, 8.4। देखिए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ये हमारा आंसर। अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर लाना होता तो इसको भी हटाएंगे। अब देखिए 4 क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि इसको हटा देंगे, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 8 मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, सारा होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। अब फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द लास्ट लेक्चर इन विच आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर इट। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो प्लीज आप इसको याद कर ले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा का पूरा आप यूज करेंगे। फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं, समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, एल्यूमिनियम 27 क्या है सब एटॉमिक मास, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कैल्शियम 40, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5, कॉपर 63.5, फ्लोरीन 19, हीलियम 4, हाइड्रोजन 1, आयोडीन 127, आयरन 56, लेड 207, लिथियम 7, मैग्नीशियम 24, नियॉन 20, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फॉस्फोरस 31, पोटेशियम 39, सिलिकॉन 28, सिल्वर 108, सोडियम 23, सल्फर 32, यूरेनियम 238 एंड द जिंक 65.5। क्लियर है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।